तो हेलो गाइस, आ चुका हूं नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के लॉन्च डेट के बारे में बताने वाले हूं कि कब तक हमें बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस, आप लोगों को साथ में प्रूफ भी देने वाले हूं कि किस डेट को हमें जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो इससे तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अभी चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बता, जैसे कि आपको पता होगा कि एक डेट जो सुनने में आ रहा है कि 18 जून को हमें जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो ऑफिशियली जो कि प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी बहुत सारे से बड़े बड़े स्ट्रीमर जैसे कि क्वारंटाइन गेमिंग, उसके बाद घातक गेमिंग, उनके तरफ से भी यहाँ पर बहुत सारे से हिंट निकल के आ रहा है कि 18 जून को हमें बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे किसी ने भी तो अभी तक डेट नहीं पता कि किस डेट को हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रीमर जो उन्होंने यहाँ पर हिंट दिया कि 18 जून को हमें गेम जो वो देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस, अगर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के जितने भी पिक्चर, उन पिक्चर को देखोगे आज तक जितने भी कम्युनिटी टैब में अपलोड किया या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड किया, हर एक पिक्चर को गाइस अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो हर एक पिक्चर के अंदर गाइस यहाँ पर छोटा मोटा हिंट छुपा है। वैसे यहाँ पर हिंट का या फिर जो भी है, अगर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो प्री रजिस्ट्रेशन वाला जो अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो गाइस यहाँ पर आपको 12 सेकंड के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा हिंट देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, अर्शर्स पर से जैसे दरवाजा खोल के यहाँ पर आते तो गाइस यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे यहाँ पर आपको 18 लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो गाइस आपको इस ट्रेलर के अंदर जो कि आपको 12 सेकंड या फिर 13 सेकंड के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इसको जूम करके देखोगे तब भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। वैसे गाइस पता नहीं कि ये हिंट छुपा है या फिर जो कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल रिलीज डेट। वैसे गाइस इस ट्रेलर को छोड़ो, गाइस अगर आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट उनको अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि गाइस 3-4 दिन पहले एक पिक्चर को अपलोड किया गया था। यहाँ पर आपको एक पेन देखने को मिलता है, उसके ऊपर कुछ पेपर लगा हुआ है। लेकिन गाइस अगर आप इसको ठीक तरीके से देखोगे तो साइड पर यहाँ पर कुछ आपको इसका जो हिंट देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस चीज को जो जेम्स वायर ने पहले कवर किया, जो कि गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख, अगर आप चाहो तो जाके सीधा चेक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर एक जो पेन देखने को मिलता है साइड में, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस उन नंबर्स को अगर आप ठीक तरीके से काउंट करोगे तो आपको इसका जो रिजल्ट शो होगा वो 18, यानी कि हो सकता है गाइस 18 जून को हमें जो ट्रेलर नहीं तो गेम वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और भी गाइस यहाँ पर आपको पता होगा कि 2 दिन पहले एक पिक्चर को अपलोड किया गया था जो कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट उनके अंदर थिंकर का जो एक पिक्चर, उसको अपलोड किया गया था 2-3 दिन पहले। और गाइस अगर आप इसको ठीक तरीके से देखोगे, ये जो थिंकर का जो स्टैचू वो आपको यहाँ पर फ्रांस में देखने को मिलता है, फ्रांस के एक लोकेशन के अंदर। और गाइस इसका जो हाइट है वो है 6 फीट और 1.8 मीटर। अगर गाइस आप पॉइंट को हटा देते हो तो आपको यहाँ पर 18 देखने को मिलता है। तो हो सकता है 18 जून को हमें जो गेम देखने को मिल जाए। यहाँ पर गाइस इस चीज को भी jamswire.gg ने कवर किया। मैंने उतना ज्यादा इस पिक्चर को ध्यान नहीं दिया, लेकिन गाइस यहाँ पर jamswire.gg ने इस चीज को कवर किया। इस पिक्चर को जो 12 जो कि जून को अपलोड किया गया था, तो भाई हो सकता है गाइस 18 जून को हमें गेम देखने को मिल जाए। और भी गाइस यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि हिंट। गाइस यहाँ पर आपको पता होगा कि एक हैशटैग बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया चला रहा है, यहाँ पर लिखा है कि प्री रजिस्टर किया गया। तो गाइस अगर प्री रजिस्टर किया गया जितने भी यहाँ पर लेटर्स है, उन लेटर्स को अगर आप ठीक तरीके से काउंट करोगे तो आपको 18 देखने को मिलेगा। तो गाइस 18 जून को हमें जो गेम देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि 18 जून को हमें गेम देखने को मिलेगा या फिर नहीं, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो वैसे तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे हिंट निकल के आ रहे हैं कि 18 जून को हमें गेम देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो मुझे भी लग रहा है कि भाई 18 जून को डेफिनेटली गेम देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्या रहा है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे हिंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को बता दिया जाए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं वो एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।